डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सब जोन अंबर झा की अगुवाई में पुलिस टीम एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साई बाबा नगर उपकुड़ा के रहने वाले राकेश कुमार के मर्डर के सिलसिले में 12 लोगों को रिमांड पर लिया है। बता दें कि जीएचएमसी ड्राइवर राकेश कुमार की गत माह जनवरी की 29 तारीख को हत्या कर दी गई थी। शिकायत मिलने पर छतरीनाका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए आज 12 लोगों को रिमांड पर लिया और इन्हें अदालत में पेश किया गया। इस अवसर पर जब इन 12 लोगों को पुलिस वैन में बिठाया गया था तब इन लोगों के करीबी रोते हुए नजर आए। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए इस केस का विवरण दिया गया। 19 के दिन रात में 12 बजे राकेश कुमार नाम के रउडी शीटर 23 इयर्स ओल्ड जीएचएमसी के ड्राइवर का मर्डर हुआ। इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में 12 लोगों को आज रिमांड कर रहे हैं। ये उस दिन 29 के दिन राकेश कुमार अपने दोस्तों के साथ बालापुर जाके एक बर्थडे पार्टी में पार्टिसिपेट करके वापस आके साई बाबा नगर उपगड़ा छत्रीनाका में अपने कज़िन आंजनेल के घर में ठहरते वक्त ये 6 लोग उसको अटैक करे। लोग दो चाकू दो हॉकी स्टिक से अटैक करे। जब बेहोश हो गया तो उसके सर पे बड़ा पत्थर लेके मार के उसका मर्डर कर दिया। राकेश कुमार के ऊपर मीरपेट पुलिस स्टेशन में रउडी शीट है। 2 मर्डर्स और 1 अटेम्प्ट मर्डर है उसके ऊपर। टोटल 12 लोगों को उसमें रिमांड कर रहे हैं।